स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट बनना है। बिंदु मेरा पेपर लिखेगी। मेरे फोन में दादाजी का फोटो है, जरा दिखाना। दादा तूने मुझे नानी याद दिला दी। ये कैसी आवाज़? ओ इंटरवल हो गया, थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। हे माँ, आज पीजे का असली एग्जाम है, प्लीज उसे पास करवा दे। वो बुक टच भी नहीं करता, उसकी सारी किताबें नई की नई पड़ी हैं। मुझे फेल करा दे पर उसको पास करा दे। पप्पू को पास करा दो ना माँ। वो इतना गरीब है कि वो क्लास में ध्यान नहीं दे रहा। हम उसका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, उसके लिए दुआ मांग रहे हैं। माता प्लीज इसकी बातों का बुरा मत मानना। हम गरीबी में पैदा हुए हम तो जी लेंगे, पर वो तो अमीरी में पला बड़ा है, वो नहीं जी पाएगा। प्लीज बिंदु का माइंड चेंज करवा दे ताकि वो सारे सवालों का सही जवाब लिख दे। अच्छा हुआ उसका हाथ जख्मी हो गया, वरना वो लिखता तो एक मार्क भी नहीं मिलता। किसी तरह से पास करवा दे। क्या हुआ पीछे, क्या सोच रहे हो? जब जेब में पैसे थे बहुत लोग आसपास दोस्त बनकर घूमते थे, पर सच्चे दोस्त क्या होते हैं आज पता चला। डोंट वरी, बेस्ट ऑफ लक। हिंदी में बोल यार। hey, okay, याद रखूंगा। इट्स टाइम फॉर एग्जाम। क्या बोला? बेस्ट ऑफ लक यार। तू पास हो, पास हो, पास हो, पास हो जाएगा। अरे चल चल जल्दी जा, तेरा पास हो जाएगा। देख ये वाला क्वेश्चन फिर से देख ले। बहुत एग्जाम आते रहेंगे। तो बलि का बकरा तैयार हो गया? नहीं सर, ये तो एग्जाम देने जा रहा है। एक ही तो बात है, इस बार पूरे 35% लाऊंगा। एक पेन से एक जवाब लिखूंगा। कहाँ जा रहे हो? एग्जाम हॉल इधर है, यहाँ से जाओ। जाओ, एग्जाम आते ही ये भीगी बिल्ली बन जाता है। क्या कर रहे हो? कोई चीट तो नहीं छुपाई है? चीट छुपाऊंगा इन हाथों से। बिंदु, ये एग्जाम ना मेरी जिंदगी की। फर्स्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर हैमलेट के बारे में क्या जानते हो? हेलमेट का तो पता नहीं, ऑमलेट अच्छा बनाते थे। जानते हो या नहीं? पता नहीं। आर के नारायणन? नारायण नाम का मेरा एक बचपन में दोस्त था, लंगोटिया यार था मेरा, पता नहीं। पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज होटल की बिरयानी। कुछ आता नहीं है तो एग्जाम देने क्यों आए हो? क्योंकि मैं ये लाइफ जीना ही नहीं चाहता। मुझे चाहिए लग्जरी, पब, पार्टीज, फन, रिजॉर्ट्स, और इसके लिए मुझे पैसा चाहिए, अपनी पुरानी जिंदगी वापस चाहिए। थोड़ी सी पढ़ाई की है, लेकिन अगर तुम भी थोड़ी सी हेल्प कर दो तो मुझे। हा? ये सब क्या लिख रही हो तुम? जो तुम कहोगे मैं वही लिखूंगी, यही मेरी ड्यूटी है। जरूरत में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। गधे को कह रहा हूँ, तू आगे देख। अब इसका जवाब बताना। ए, पेपर लिख। एग्जाम खत्म हो गया क्या? कभी? अरे कभी की खत्म हो गई, जाओ जाओ घर जाके सो। ठीक है चलो सोते हैं। ये क्या हो रहा है? ये लो। ये किस चीज का महाप्रसाद बट रहा है? लड्डू दिए? तुम्हारा रिजल्ट आने की खुशी में। और तुम रिकॉर्ड बनाने वाले हो सिर्फ 3 महीने में कॉलेज से बाहर जाने का, इसलिए वो लोग मिठाई बांट रहे हैं। रिजल्ट आने का प्रेशर है, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? जब बोरिया बिस्तर बांध लो जल्दी पहुंच जाएगा। सर फेल? कोई शक? अरे रिजल्ट का वेट मत करो, जल्दी जाओ और बस का वेट करो ताकि टाइम पे शहर पहुंच सको। अरे अब फेल हो गया। देखो रिजल्ट आया क्या? प्यून के साइकिल की घंटी। बैकग्राउंड में बहुत अजीब सा म्यूजिक सुनाई दे रहा है मुझे। तुम्हें भी? ओ
उसके फेस के एक्सप्रेशन से लगता है कि तुम जरूर पास हो गए हो। वो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलता है, उसके एक्सप्रेशन पे मत जाओ। इट्स बैड न्यूज़, कंफर्म। अरे लेकिन पेपर तो बिंदु ने लिखा ना। लेकिन बोला तो इसने है ना। ए प्रवीण, कर्नल साहब तुझे बुला रहे हैं, चल। ओ गॉड, रेस्ट इन पीस। ओए, उसके चेहरे को देखकर लगता है कि ये फेल नहीं तेल हो गया है। अरे चुप कर, वो सुन लेगा, कुछ भी बोलता है। क्या हुआ? मैं पास कैसे हो गया? अरे हो ही नहीं सकता। सच प्रवीण? पीजे 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 दादाजी। कांग्रेचुलेशंस पीजे। थैंक्स ब्रो। हाँ लेकिन इसका क्रेडिट जाता है बिंदु को, उसे भी थैंक्स बोलो। बिंदु? अबे मालिक प्रिंसिपल उसके पास है। तुम अपनी दुकान में यूजलेस चीजें रखती हो क्या? डस्टबिन में डाल देती हो ना? सर, प्रवीण की बात कर रहा हूँ। समझ गई सर। उसने देख लिया तो दांत तोड़ देगा। चल। पहले टीचर्स और माँ बाप बच्चे को स्कूल भेजने के लिए चॉकलेट जैसी चीजों का लालच देते हैं, बाद में जब वो कोई गलती करते हैं तब उन्हें सजा देते हैं। अगर आप उसे सिर्फ 3 महीने देंगे और कहेंगे कि सिर्फ इतने ही दिन में पास होके दिखाओ, तो वो ऐसा कैसे कर पाएगा सर? अगर पीजे वाकई ना समझ है तो अगले 2 सालों में वो अपने आप फेल हो जाएगा। हमें उसे सुधरने का एक मौका तो देना ही चाहिए सर। यू आर राइट, मौका तो देना ही चाहिए। बिल्कुल। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? गिफ्ट। एक्चुअली मुझे किसी का एहसान लेना पसंद नहीं। तो दादाजी के पैसे का गिफ्ट क्यों दे रहे हो? ये मेरे पैसे का है डार्लिंग। लगता है तुम समझे नहीं, अपने दादाजी की कमाई से नहीं अपनी कमाई से कुछ दो तब लूंगी। कितना भाव खाती है ये। तुमने इसका हाथ लिया, तुम उससे प्यार करते हो क्या? प्यार? बिंदु से भी तो गिफ्ट ले लो ना, तेरे बाप का राज है। मारो इसे, अपनी सारी शर्तें भूल जाओ तुम। यहाँ क्या करने आए हो ये भी भूल जाओ। पूरी दुनिया सुधर सकती है, तुम नहीं। बिंदु, बड़े प्यार से लाया था ये। बीच में मत बोल। सही कह रही है तुम, बीच में मत बोल। शमशेर, शमशेर, प्यार का टाइम नहीं है मेरे पास। इसके पास प्यार करने का टाइम नहीं। मैं कॉलेज के बाद फ्री होंगी। ये कॉलेज के बाद? एग्जाम में पास होकर फिर ट्राई मारना। एग्जाम में पास हो जाना फिर आके इस पे ट्राई मारना। तुम्हारा बहुत अच्छा चांस है। बहुत अच्छा चांस। इसका अच्छा चांस और मेरा कुछ? अरे बिंदु, शमशेर भाई को देखा? पहले बता इधर वाइन शॉप कहाँ है? आगे चलो। हे अंगद, डायलॉग याद नहीं हो रहे क्या? चल रिहर्सल करते हैं। चल तू अपने डायलॉग सुना, मैं करेक्ट करता हूँ। यमराज के? अरे यमराज नहीं रे, तू तो दुर्योधन है। ऐसा बोलो साड़ी खींचो। साड़ी बाद में, पहले बांसुरी तो सीधा पकड़ो। मैं तो टेस्ट कर रहा था। ये रिहर्सल की ऐसी तैसी करने आ गया। मेरी जगह इसे चढ़ गई। दुर्योधन यहाँ से निकलने में ही भलाई है। चलो चलते हैं। तुम मैदान छोड़ के नहीं भाग सकते। भाग के नहीं, आराम से जाऊंगा। कोई नहीं लेगा। क्या चल रहा है? ड्रामा की रिहर्सल कर रहे हैं। Who are you? I am fine. उसने who are you पूछा था, how are you नहीं। I am दुर्योधन। और ये मोर जैसे कलर वाला कौन है? मैं कृष्णा बनाऊंगा। कितना ड्रामा किया तुमने? पिछले साल 4, इस साल 5, टोटल 200-300। अबे 4 और 5 मिला के 200-300 कैसे हो गए यार? मैथ्स कमजोर है, थोड़ा इधर उधर चलता है। अरे सुन कृष्णा, तुझे राधा चाहिए ना? तो उसकी कास्टिंग मैं करूंगा। एक उंगली सिलेक्ट कर। कृष्णा को राधा चाहिए, ये उंगली सिलेक्ट करता हूँ। उसकी ये मजाल ये बिंदु पर टच करे। बिंदु? कृष्णा अपना मुकुट उतार के नीचे रख दो। आपका हुक्म। थप्पड़ किस लिए? चलो अभी मुकुट दोबारा पहन लो। नहीं फिर मारोगे। कृष्णा हा? तुम मेन लीड नहीं, बैक स्टेज हो, समझे? पीजे भाई ये सुपरस्टार की तौहीन है। शक्ल देखिए, तुझे ड्रामा में घोड़े का रोल मिलना चाहिए, तो कृष्ण का रथ चलाएगा। मैं कभी कृष्णा नहीं बनूंगा, कभी नहीं। कृष्ण माखन खाते थे, तुझे तो गोबर ही नसीब होगा। इज्जत ही मेरी। तेरी इज्जत है कहाँ? ये ड्रामा है। तू ड्रामेबाज है। अरे याद आया, मोबाइल रिचार्ज करवाना है। रुक जा, पहले मुझे आराम फरमाना है। पीजे भाई मुझे ये कैरेक्टर नहीं करना, कोई चोर मवाली का तो मैं ऑस्कर जीत कर आऊंगा। कृष्णा ये उंगली दिख रही है, एक सिलेक्ट कर दे। लगता है इस बार कोई बड़ा कांड किया है। पीजे क्या किया? सही उंगली पकड़ी तो मेरा पैकअप पक्का ना। बार बार उंगली करने के लिए मैं ही मिलता हूँ क्या? मेरे सीनियर से भी तो पूछो। दुर्योधन को चीरहरण नहीं करवाना। शानी, क्या? एक उंगली सिलेक्ट कर। क्यों? सवाल करेगा तो? सवाल करूंगा तो मार खाऊंगा। सिलेक्ट नहीं करेगा तो भी मारूंगा। बच्चे की जान लेगा क्या?
कर्नल साहब। वो कर्नल साहब जिससे तेरी फटती है। वो तो हकीकत में। हम क्या कर रहे हैं? रामा। कर्नल साहब, आपने और उस शरद चंद्र ने मिलकर मेरी जिंदगी नौटंकी बना दी। मैंने गलती से गलत उंगली पकड़ ली, मुझे दूसरी पकड़नी थी। और कोई शर्त है शरद चंद्र? मैं रिजाइन देता हूँ। रिजाइन करने से पहले अपना प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, वो सब लेके जाना। बी के हंगामा करना बुरी बात है, स्टॉप इट। अरे आनंद, तू यहाँ कब आया भाई? मेरी एंट्री अभी भी हुई है, तू चल यहाँ के। बेंचेस किसने तोड़े, क्या पागलपन है? ये बेंचेस तो पहले से टूटी है, छोड़ना, चल यहाँ से। ओके दुर्योधन, गुड नाइट। चल। कवि कहता है, तेरे हृदय में जिस तरह मेरी छवि बैठी है, सर, उसी तरह सर, तेरे आजा आजा, तेरे केसों में मेरा भाग्य। मैंने एग्जाम पास कर लिया सर। इस महाविद्यालय का भाग भी संकट में है, जा बैठ जा। धन्यवाद। एक दिन आपकी भी घंटी बजाऊंगा, आपकी सारी हिंदी की एकड़ी निकल जाएगी। और वैसे भी हिंदी इंग्लिश से बहुत पिछड़ी हुई है गुरुजी। गवारों की भाषा। जिस दिन हिंदी भाषा अंग्रेजी से पिछड़ जाएगी, उस दिन ये विद्याधर दुनिया से पिछड़ जाएगी। इस भाषा को पूरी दुनिया ने इतना मान सम्मान दिया है, उस भाषा को तुम गवारों की भाषा कहते हो? ये परीक्षा में सिर्फ पास होने के लिए 35 अंक लाने वाला विषय नहीं है। हम इसके माध्यम से अपनी खुशी, दुख और हर भाव को दर्शाते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो हम इसी भाषा के माध्यम से रोते हैं, क्योंकि यही भाषा हमारी माँ को भी समझ में आती है। लेकिन पश्चिमी सभ्यता ने तुम्हारी आंखों पे एक काली पट्टी बांध दी है। अब लिखो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत क्या? अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सुजान्यहम्। सहस्त्र बार लिखो। मतलब 1000 बार। अरे चुप रहे, अब तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसका चेहरा दिखा दे बस। ये भैया जी का आदमी है, पता है कैसे? क्योंकि आदमी मर तो कहीं होता है। क्या बकरा है? मैं भैया जी हूँ और ये मेरा आदमी है, और ये एक लड़की से प्यार करता है। तो क्या ये प्रॉब्लम है? तुम उस लड़की से प्यार करते हो तो ये उसे भुला देगा। तुम उसे भुला दो क्योंकि ये उसे प्यार करता है। तुम्हारा आदमी उससे प्यार करता है तो वही भूलेगा, मैं क्यों भूलूं? क्या मतलब? देखो, तुम तलाक देना चाहते हो तो तुम्हारी बीवी क्यों साइन करेगी? करेक्ट ना, इसे छोड़ दो। मैं उसे छोड़ दूंगा, मगर इसका क्या होगा? इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। और वो लड़का? मैं उससे प्यार करता हूँ। फिर प्रॉब्लम क्या है? तुम शादी करो, हम दावत खाएंगे। कब से कंफ्यूज करके रखा है, समझता नहीं है? ब्लडी ब्लैक शर्ट। ये मेरा शर्ट है। सांड, ये तेरा नहीं, कपड़े का शर्ट। सांड, अबे मैं इस एरिया का शेर हूँ, सांड क्यों बुला रहा है मेरे को? सांड बोलने की हिम्मत कैसे? देख, मुझे किसी पर हाथ नहीं उठाना है। लेकिन मैं तो हाथ उठा सकता हूँ ना। यार, तू मेरी मजबूरी क्यों नहीं समझ रहा? मैं मारपीट नहीं कर सकता। मेरी मजबूरी मैं क्यों समझूं? मैं ये कद्दू कितने का है? 50 रुपए का। मुझे लूटने ना, ये ले तो जा। 50 रुपए? छोटू, जरा बैट देना। अब तू क्रिकेट मैच खेलेगा क्या? मुझे नहीं आता खेलना। मेरी बैटिंग। छोटू, बॉल भी देना। 20-20 होगा या वनडे? सुपर ओवर। सुपर ओवर? सुपर ओवर। भाव ज्यादा ही बढ़ गया। क्या बात है।